हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका इसके और आज हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि ये क्वेश्चन मेरे से बात में पूछा गया था BRC का इंटरव्यू में। ठीक है और आपको समझना चाहिए ठीक है ये मतलब सेलेक्टिविटी और ईल्ड में क्या डिफरेंट है। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब और इस चैनल पर बने रहे। ठीक है आपको जो जो टॉपिक नया नया समझ में नहीं आता तो मैं उसको बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम लेगा, वीडियो का टाइम कंज्यूम। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जो यील्ड है, प्लांट यील्ड है, सेलेक्टिविटी, ये तीनों चीज़ अलग अलग है ठीक है, और इसका अप्लीकेशन थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। देखिए ये तीनों का यूज हम तब करते हैं जैसे कि जहाँ पर इफुलेंट ज़्यादा बनता है ठीक। इफुलेंट करने का मतलब जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं था वो बन रहा है ठीक है, या फिर जहाँ पर साइड रिएक्शन होता है, एंटीजाइड रिएक्शन हो रहा है ठीक है, और तो वहाँ पर यूज करता हूँ। बेसिकली ये क्या करता है ना कि आपका जो कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि हमें कितना डिग्री ऑफ जो परफॉर्मेंस होता है उसको मेजर करता है। सो बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि क्या है। तो देखिए पहला यील्ड है, यील्ड किसको बोलते हैं, तो मोल्स ऑफ, जैसे मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ ऐसे, चलो ठीक है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू डिजायर प्रोडक्ट टू द टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड। ओके देखिए मान लेते कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, तो उसमें क्या हुआ कि आपका शुरू में क्या हुआ, रिएक्ट एक रिएक्टेंट रहेगा और प्रोडक्ट रहेगा। ओके थोड़ा समय के लिए मैं, अच्छा ये पहले समझ लीजिए डिफिनेशन कि मोल्स ऑफ मोल्स, जितना कोई भी रिएक्टेंट है कितना मोल्स वो डिजायर बना, डिजायर प्रोडक्ट कितना बना बटा टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट कितना कन्वर्ट किया, ये दोनों का रेशियो। देखिए ये दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग लग रहा है कि आपको एक ही साथ है। प्रोडक्ट बनेगा किससे बनेगा, वो रिएक्टेंट से बनेगा ठीक है। तो रिएक्टेंट से जब बनता है तो रिएक्टेंट से बनने की जब हमें हमें तो चाहिए डिजायर प्रोडक्ट हमें चाहिए, अगर हमें चाहिए मान लेते CO चाहिए O2 चाहिए, तो हमें सिर्फ हमें दोनों में से कोई एक चाहिए, मान लेते हमें O2 चाहिए तो हमें CO तो नहीं चाहिए, तो CO अनडिजायर्ड प्रोडक्ट हो गया। तो इसीलिए बात है लेकिन बन तो रहा रिएक्टेंट से, इसीलिए बोलते हैं कि जो आपका जो रिएक्टेंट से डिजायर प्रोडक्ट बना उसका रेशियो, उसका मोल बटा टोटल मोल जो रिएक्टेंट कन्वर्ट कर दिया मतलब डिजायर प्लस अनडिजायर्ड, उसको बोलते हैं हम लोग। कहने का मतलब ये सिर्फ आपका हो गया डिजायर प्रोडक्ट प्लस में क्या होगा, डिजायर प्लस अनडिजायर्ड दोनों हो गया, इसमें दोनों हो गया मतलब रिएक्टेंट जो बना था डिजायर्ड प्लस अनडिजायर्ड वो दोनों हो जाता है। और अच्छी बात हम सुन लेंगे, मान लेते हैं ए प्लस से कोई रिएक्टेंट है अब बन रहा है प्रोडक्ट आपका, एक है प्रोडक्ट है आपका डिजायर्ड है और एक है आपका एक प्रोडक्ट जो बना है वो है आपका अनडिजायर्ड ठीक है। तो यही बोलता है एक जो रिएक्टेंट डिजायर्ड बना से उसका रेशियो, और जो रिएक्टेंट डिजायर्ड प्लस अनडिजायर्ड दोनों मिलकर जो होगा, ये दोनों का जो रेशियो होगा उसको बोलते हैं हम लोग यील्ड। तो अब देखिए प्लांट यील्ड थोड़ा सा अलग है डिजायर्ड से मतलब यील्ड से, आपको इसलिए क्वेश्चन याद रखेगा। देखिए इसमें भी है कि टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है डिजायर्ड बना से, जो रिएक्टेंट हम दिए थे जो रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है वो कितना डिजायर्ड बना से उसका रेशियो प्लस में आपका कोई प्रोसेस हो रहा है, जैसे मान लेते कोई रिएक्टर है और उसमें हम जितना अमाउंट हम रिएक्टेंट दिए से वो दोनों का जो रेशियो हुआ उसको बोलते हैं। देखिए ये आपका रिएक्टेंट है ठीक है, तो हम लोग फ्लूड दिए यहाँ पर ही प्रोडक्ट बन गया ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो आपका डिजायर प्रोडक्ट है, डिजायर प्रोडक्ट है और अनडिजायर्ड है, तो डिजायर प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट डिजायर बना से उसका रेशियो प्लस में जितना फीड दिए हैं से, जितना आप फीड दिए हैं से, इसमें फील्ड में हो सकता है कि कोई कन्वर्ट भी ना किया हो तो वो सभी काउंट हो जाता है। इसीलिए लिखा है कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू डिजायर्ड प्रोडक्ट टू द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फेड टू द प्रोसेस, ये हो गया आपका प्लांट यील्ड। इसीलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट पड़ जाता है।
हम बात करेंगे सिलेक्टिविटी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेक्टिविटी और यील्ड में मेन डिफरेंस क्या है मेरे से। तो भैया सिलेक्टिविटी क्या हुआ, ये बहुत ही आप इवन मास ट्रांसफर में पढ़े होंगे या फिर ठीक है। तो देखिए मोल्स ऑफ रिएक्टिव कंपाउंड जो डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये बहुत ही सिंपल बोल रहा है कि वो मोल्स जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनता है से, ठीक है, मतलब कोई रिएक्टेंट है वो कितना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाता है से और वही रिएक्टेंट कितना अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनाता है से, उसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी। देखने से लगता है सिलेक्टिविटी है, मतलब चुन चुन के लेगा, ठीक है, तो वो बात हो जाता। अगर देखिए ये दोनों की जरूरत कहाँ पड़ती है, क्या बताता है हमें, तो ये चीज ध्यान रखो। जो आपका प्लांट यील्ड है, ये जो आपका प्लांट यील्ड है, ठीक है, प्लांट यील्ड मेजर करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस के, वो भी जो प्लांट यील्ड है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मेजर करता है। क्योंकि देखिए प्लांट यील्ड हम लोग क्या किए थे, हमने लिए थे कितना रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में बनेगा से, मतलब डिजायर प्रोडक्ट बटा कितना फिट दिए थे से, इसलिए ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करता है, उसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दोनों का इन्वॉल्व होता है। ओके, अगर हम बात करें सिलेक्टिविटी, तो सिलेक्टिविटी क्या बताता है कि जो जो साइड रिएक्शन के साथ जो सिलेक्टिविटी इंडिकेट द रिलेटिव प्रोवेलेंस ऑफ साइड रिएक्शन ओवर द डिजायर्ड रिएक्शन। देखिए जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो रहा था वहाँ पर साइड रिएक्शन बन रहा है, मतलब वो अनडिजायर्ड रिएक्शन बन रहा है, साइड रिएक्शन मतलब अनडिजायर्ड रिएक्शन होगा और मेन रिएक्शन मतलब मेन प्रोडक्ट मतलब डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो डिजायर प्रोडक्ट के कंपेयर में जो साइड रिएक्शन है उसका कितना प्रोमिनेंस है, ये दोनों को रिलेटिव मेजर करता है। ओके, तो बेसिकली ये मेन आंसर था, ठीक है। आई होप इसमें बात आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।